उड़ीसा आदर्श विद्यालय कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राजलक्ष्मी आचार्य मौजूद है। वे प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। राजलक्ष्मी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जय जगन्नाथ, किस तरफ है राजलक्ष्मी? हाँ, जय जगन्नाथ। My name is Rajalakshmi Acharya. I am from Odisha Adarsh Vidyalaya, Jokidola Banki Katak. Sir, my question is, it is easy to say you face exam with a cool mind. But in exam hall, the situation is so scary, like don't move, look straight, and so on. Then how can it be so cool? Thank you, sir. धन्यवाद राजलक्ष्मी। प्रधानमंत्री जी, अद्रिता, तैफूर और राजलक्ष्मी और इनके जैसे अनेक विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्करणों में प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना कैसे करें। कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देखिए कैसी गलती होती है। कुछ गलतियां यानी रोजमर्रा की हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा। कुछ गलतियां पेरेंट्स का अति उत्साह कर देता है, कुछ गलतियां स्टूडेंट की अतिशय सिंसियरिटी कर देती है। बस समझता हूं इससे बचा जाए। जैसे मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप को लगता है कि आज एग्जाम है तो बेटे को नई पेन ला करके दो, जरा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो, तो उसका काफी समय तो उसमें एडजस्ट होने में ही जाता है। शर्ट ठीक है कि नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है। माँ बाप से मेरा आग्रह है, जो पेन रोज उपयोग करता है ना वही दीजिए आप। यहां वहां पेन दिखाने थोड़ा जा रहा है वो, और परीक्षा के समय किसी को फुर्सत नहीं, आपका बच्चा नया पेन करके आया है पुराना पेन के आया है। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है जिसका वो कंफर्ट नहीं है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे वो। फिर जो सीनियर स्टूडेंट है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, दरवाजे तक किताब छोड़ते नहीं, दरवाजे तक। अब आप अचानक इस प्रकार से इवन रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं ना, तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री ऐसा होता है क्या? आप 5-10 मिनट पहले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, कहाँ आपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं, फिर उस जगह पे जाते हैं, फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा लगेज अंदर ले जाऊंगा, फिर कौन सा, यानी मन आपका तुरंत अपने आप को ट्रेन आने से पहले ही सेट करने लग जाता है। वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो कोई सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं, तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए मस्ती से। जरा पुरानी कोई हंसी मजाक की चीजें हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए। 8-10 मिनट खुद के लिए जिए आप, खुद में खो जाइए, एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। और फिर जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कंफर्ट होंगे, वरना क्या होता है, वो आया कि नहीं, वो देखा कि नहीं, वो कैसा है पढ़ा नहीं, टीचर कहां दिखता है, सीसीटीवी कैमरा है। अरे आपका क्या काम है जी, सीसीटीवी कैमरा किसी भी कोने पर पड़ा है, तेरा क्या लेना देना है जी। हम इन्हीं चीजों में लटके रहते हैं जी, और वही बिना कारण हमारी शक्ति समय वेस्ट करता है। हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए
और जैसा ही क्वेश्चन पेपर आ जाए तो कभी कभी तो आपने देखा होगा कि अगर आप फर्स्ट बेंच पर आपका नंबर आया है लेकिन क्वेश्चन पेपर वो पीछे से बांटना शुरू करता है तो आपका दिमाग फड़कता है, देखिए मेरे से तो 5 मिनट पहले उसको मिलेगा, मुझे 5 मिनट बाद में मिलेगा, ऐसा ही होता है ना? ऐसा होता है ना? अब ऐसी चीजों में अपना दिमाग खपाओगे कि पहले क्वेश्चन पेपर मुझे मिला कि 20 नंबर के बाद मिला, तो आप अपनी एनर्जी, आप परिस्थिति तो पलट नहीं सकते। टीचर ने वहां से कहा कि आप खड़े होकर नहीं कह सकते पहले मेरे से दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपको पता है ऐसा होना, फिर ऐसे ही अपने अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। एक बार आप ये अगल बगल की सारी दुनिया, और हम बचपन से पढ़ते तो आए हैं, वो अर्जुन को पक्षी की आंख वाली कथा तो सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में आता है तो नहीं, पेड़ भी दिखता है, पत्तियां भी दिखती है, तब आपको वो पक्षी की आंख नहीं दिखती है। आप भी मन में ये कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको जीवन में लाने का मौका होता है। तो पहली बात तो ये है कि इन सारी बाह्य चीजों से आप, दूसरा परीक्षा में घबराहट का कभी कारण ये होता है, कभी लगता है समय कम पड़ गया, कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता। तो इसका उपाय यह है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनट मोटा मोटा मेरा जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए। अब खाना खाते हैं, आप खाने के लिए बैठते हैं तो घड़ी देख करके थोड़े खाते, भाई 20 मिनट में खाना खाना है, खाते खाते आदत हो ही जाती है, हाँ भैया इतने में 20 मिनट भी हो गए और खाना भी हो गया। इसके लिए कोई घड़ी और कोई बेल थोड़ा बजता है कि चलो अब खाना शुरू करो, अब खाना बंद करो, ऐसा तो होता नहीं। आज के युग में आईपैड के कारण, कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण मेरी लिखने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है, जबकि एग्जाम में लिखना होता है। इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मुझे अपने आप को लिखने के लिए भी तैयार करना है। आजकल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदत है, और इसलिए डेली जितना समय आप अपने पठन पाठन में लगाते हैं स्कूल के बाद, उसका मिनिमम 50% टाइम, मिनिमम 50% टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे, तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद में लिखने की आदत हो जाएगी। तो कितने पेज पे लिखना, कितना लिखने में कितना समय जाता है, ये आपकी मास्टरी हो जाएगी। मेरी आज की पीढ़ी के साथियों से बहुत मेरा आग्रह है कि कृपा करके आपकी एग्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना, कितना याद रहा, सही रहा, गलत रहा, सही लिखते हैं गलत, तो वो तो बात का विषय है। आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए। अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो अनकंफर्ट या प्रेशर फील करते हैं वो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप आदी हैं। अगर आपको तैरना आता है तो पानी में जाने से डर नहीं लगता है आपको, क्योंकि आप तैरना जानते हैं। आपने किताबों में तैरना ऐसे होता है और आप सोचते हैं हाँ मैं तो पढ़ा था भाई, हाथ पहले ऐसे करते फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा हाथ, फिर चौथा, तो फिर आपको लगता है हाँ पहले हाथ पहले पैर, दिमाग से खप कर लिया, अंदर जाते ही फिर मुसीबत शुरू हो जाती है। लेकिन जिसने पानी में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, उसको कितना ही गहरा पानी क्यों हो, उसको भरोसा होता है मैं पार कर जाऊंगा।